डोईवाला के प्राथमिक स्कूलों में बाल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बाल चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा विभाग लगातार खेल और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर डोईवाला के प्राथमिक स्कूल के प्रधान आचार्य ने कहा कि निजी और सरकारी स्कूलों में को लेकर अभिभावकों में गहरी खाई बन चुकी है, जिसको छात्र और अध्यापक मिलकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बाल चौपाल कार्यक्रम में जहां नन्ही छात्राओं ने पवन ऊर्जा जैसे उपकरण बना दिए, वह काबिले तारीफ है। डोईवाला से जाबिद हुसैन की रिपोर्ट। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, समाज में एक भ्रांति ये रहती है कि सरकारी स्कूलों में शायद कुछ नहीं होता। ये एक प्रयास है कि एक दिन में अपने कई स्कूलों की कई विधाओं में प्रतिभाएं यहाँ पे स्टॉल के माध्यम से दिखाई गई हैं। यहाँ पे राइटिंग का स्टॉल लगा रखा है, जिससे कम से कम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। राइटिंग इतनी सुंदर होती है तो, और उसके साथ पढ़ना लिखना सब कुछ, गणित के कॉर्नर यहाँ पे लगाए गए हैं। तो दिखाने की कोशिश की गई है, प्राइवेट से किसी भी स्तर पे सरकारी स्कूल कम नहीं है। और बस समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकारी स्कूल भी बहुत बढ़िया है, एक और बहुत क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे होते हैं। लेकिन अभी दिमाग में थोड़ा सा ऐसा रहता है हर एक आदमी के कि शायद सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो वो एक दिखाने का एक प्रयास है। सरकारी स्कूलों से मोह भंग हुआ है लोगों का, वो वापस हम किस तरह से पा सकते हैं? हम बहुत अच्छे प्रयास विद्यालय में हो रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टॉल में बच्चे किस किस तरह से सीख रहे हैं आके। और जो स्टेट लेवल पे बच्चे हमारे आते हैं, राइटिंग हो गया, कर्सिव राइटिंग हो गया, इंग्लिश कर्सिव राइटिंग सुलेख में, राजीव गांधी नवोदय में निकल रहे हैं यहाँ से अच्छे प्रयासों से, तो लोग देखें उसको। तो यही हमारा उद्देश्य था। स्कूलों से यहाँ पे बच्चे हैं तो इसको हम आगे से बृहद रूप में और भी करेंगे इसको। और बहुत अच्छा, टीचर्स का भी सहयोग बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा मैसेज समाज में दे रहे हैं। कितने दिन का है? दिन का है, आज का है ये। और इसके बाद कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ, योग, और यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं, जैसे आपने देखा होगा आयुर्विद्या वाले भी हैं यहाँ पे, योगासन या योग संबंधित जो गतिविधियाँ विद्यालय में होती है उनका भी, उसको भी समाज